हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा दलाल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने लेक्चर 6 जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले हम थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया था। आज हमारा टॉपिक क्या है, समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ये हमें क्यों लाना पड़ा, करेक्शन क्यों करना पड़ा इसके अंदर, वो हम शुरू से देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बोहर ने क्या मॉडल दिया था कि जो हमारा जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज है प्लस ZE, वो इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रिवॉल्व करता है इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट। ये हमने बोहर मॉडल ने हमें ये बताया था। तो इसमें क्या था कि बोहर मॉडल ने जो लाइन आई थी हमारी, वो सीरीज एक स्टेट से सिर्फ दूसरी स्टेट तक ही जा सकती थी। फाइन स्ट्रक्चर हमें बोहर मॉडल इसके बारे में नहीं बता पाया। क्या था बोहर मॉडल में, इस तरीके से n=3, n=4 and n=5, आप इस तरीके से कितनी भी स्टेट्स इसके ऊपर ले सकते हैं। तो बोहर मॉडल में क्या था कि जो एक फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में जो हमारा लेवल जा रहा था, ट्रांजिशन थी, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन रूट थी। और जो मतलब समरफील्ड ने भी किया था इसका करेक्शन, फिर भी ये नहीं आई थी, सिर्फ एक स्टेट से सिर्फ सेकंड स्टेट तक ही हमारी इस तरीके से ट्रांजिशन हमें दिखा रहा था। ये इसका सीरीज का नाम दिया था इसने, फर्स्ट सीरीज थी हमारी लेमन सीरीज, जैसे सेकेंड थी हमारी बाल्मर सीरीज जो कि हमारी 4 से 2 तक आ रही है। 5 से 2 तक क्या थी हमारी पाशन सीरीज, ये इस तरीके से ये वाली हमारी क्या है पाशन सीरीज। इससे ऊपर हम n=6, इस तरीके से हम कितनी भी लेके इस तरीके से इसने नाम दिया था। इसके आगे आती हमारी ब्रैकेट सीरीज एंड उसके बाद आती हमारी फून सीरीज। ये हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था। इसमें क्या था कि सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ही हमारी इस तरीके से लेवल जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं। फाइन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पा रहा है। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम हाई रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से जब इसको पास करेंगे, तो जो एक लाइन थी हमारी वो स्प्लिट होकर फर्दर कई कंपोनेंट में हमारी इस तरीके से आनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर। जैसे हमारी इसके अंदर इस तरीके से एक लाइन, ये हमारी स्प्लिट होके इस तरीके से 3 लाइन में इस तरीके से कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर, जो कि हमें बोहर मॉडल इसके बारे में नहीं बता पाया। उसके बाद क्या आया था हमारा समरफील्ड, समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल में हमने पढ़ा था। तो उसने क्या किया था, सर्कुलर ऑर्बिट की जगह उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। उसने क्या बोला था, हम इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस होते हैं, हम किसी भी हम न्यूक्लियस को किसी भी एक फोकाई में रख सकते हैं, इस तरीके से हमारे 2 होते हैं। इस साइड वाला इसको क्या बोलते हैं हम एपिहेलियन पॉइंट, और जो यहाँ वाला ये वाला होता है हमारा पेरिहेलियन। क्या होता है ये हमारा पेरिहेलियन, ये वाला होता है हमारा एपिहेलियन पॉइंट। क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, एक जगह हम फोकस में इसकी फोकाई में हम न्यूक्लियस को रख देंगे इस तरीके से। ये हमारे 2 फोकस होते हैं, हमने इस साइड मान ली, हमने इस तरीके से रख दिया, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से थीटा एंगल। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो फास्ट मूव करेगा यहाँ बजाय कि यहाँ तक, क्योंकि यहाँ जाने में हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर हो, यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जल्दी जाएगा। तो इसमें यही बताया गया था कि लेकिन ये समरफील्ड भी क्या था कि हमें फाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो
न्यूक्लियस और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इनके बीच में जो कोलंबियन फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी मुकाबले इसके। क्यों? क्योंकि ये इससे काफ़ी दूर है। ये वाले जो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक ये रिवॉल्व करके आएगा ऑब्वियसली इनके बीच में कोलंबियन फोर्स ज़्यादा होगी इसके मुकाबले इसकी कम होगी इनके बीच में। ये था हमारा समरफील्ड का। इसने फिर समरफील्ड एक्सटेंशन और बोहर मॉडल निकाला था। उसमें क्या हुआ था, जो बोहर मॉडल की एनर्जी थी और जो समरफील्ड ने निकाली थी वो एनर्जी हमारी सेम आई थी। कुछ इसने भी ये हमें नहीं बता पाया एनर्जी क्या आई थी हमारी। एम नॉट जेड स्केयर ई की फोर एट एप्सिलेंट नॉट स्केयर एन स्केयर एच स्केयर, ये हमारी एनर्जी आई थी जो कि बोहर मॉडल, देखिए सेम आई थी हमारी जो कि बोहर मॉडल ने निकाली थी, यही हमारी समरफील्ड ने निकाली थी। फिर समरफील्ड ने सोचा कि क्या किया जाए कि हमारे फाइन लाइन्स आ जाए, तो इसने फिर ये वाला निकाला समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। जो हमारी एनर्जी आई है इसी में एक टर्म ऐड करके इसने फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। ये वाली जो एनर्जी है इसी में इसने एक टर्म ऐड की है जिससे हमारी फाइन लाइंस जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई है। बस इसने ट्राई करके देखा हमारी फाइन लाइंस आ गई। रिलेटिविस्टिक करेक्शन, रिलेटिविस्टिक क्या होता है, इसमें द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, के इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर वन बाय रूट बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस, ये क्या होता है हमारा यहाँ पे हमारा क्या आएगा माइनस, ये क्या होता है हमारा रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो इसमें जो मास होगा ये देखिए आपको मैं बताती हूँ, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरीके से क्या बना लिया हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट, हमने न्यूक्लियस को यहाँ पे इस फोकाई के अंदर रख दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से मूव करेगा वेलोसिटी के साथ, ये क्या होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा तो ऑब्वियसली मास जो है इसके अंदर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मास है हमारा वो वेलोसिटी के साथ चेंज होगा। क्या देखने को मिला हमें इसके अंदर, मास जो हमारा इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो मास इसके अंदर कांस्टेंट नहीं करेगा, वो भी वेरी करेगा वेलोसिटी के साथ। हमने पॉलर इक्वेशन की थी जो पीछे वाले लेक्चर में भी की थी, पॉलर इक्वेशन फॉर एलिप्स वो क्या थी हमारी, 1 by r equal to 1 by a 1 minus epsilon cos theta use किया था उसने हमें, हमने उसके अंदर, तो इसके अंदर हम इस तरीके से lambda theta use करेंगे। वो हम क्यों use करेंगे वो मैं आपको अभी बाद, इसकी जो equation थी वो क्या थी 1 minus epsilon square, ये क्या थी हमारी polar equation थी for ellipse के लिए, ये हमने पीछे भी use की थी। ये हमने इस तरीके से क्यों लिया है ये देखिए आप, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पेरिहेलियन पॉइंट होता है और ये क्या होता है हमारा एपिहेलियन पॉइंट। जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से मूव करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो ये वन एरिया कवर करेगा तो इसकी क्या होगी हमारी टू पाई,
और सेकंड एक कर लिया इसने, जब सेकंड करेगा तो क्या किसके इक्वल होगा हमारा 2π/λ। तो अब हम इसके देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने टिकल ऑर्बिट, ये हमने लिख लिया एटॉमिक कॉल, इस तरीके से जो इसके अंदर हमारा प्रिसिशन होगा इस तरीके से, ये एक प्रिसिशन इस तरीके से, जो सेकंड होगा वो हमारा इस तरीके से होगा, ये देखिए इस तरीके से हमारा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिसिशन, लाइक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग होता है ना जैसे, इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर प्रिसिशन होगा। जो ये वाले जो हमारा इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2π/λ-2π, जो एक करेगा वो 2π के इक्वल होगा, जब सेकंड करेगा 2π/, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा इसके इक्वल आएगा। जो इसके बाद जो हमारी एनर्जी क्या आई थी बोहर की एंड समरफॉल की, वो हमारी सेम आई थी, क्या आई थी वो, m0 square minus 8 epsilon 0 square h square n square। इसी के अंदर कुछ टर्म करेक्शन क्या है, समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन, इसी के अंदर कुछ टर्म यूज करके उसने फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। वो क्या टर्म यूज की है इसने इसके अंदर, m0 square z square e^4 8 epsilon square h square n square, वो टर्म क्या यूज की है इसने इसके अंदर, 1 plus z square alpha square by n 1 by k minus 3 k by n, ये वाली टर्म यूज की है उसने इसके अंदर। जो इसके अंदर जो अल्फा है वो क्या हमारा एक प्योर नंबर है, और इसको अल्फा को हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसमें से हम रेबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। रेबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, स्क्वायर ई की 4 by 8 epsilon square h cube c, ये क्या होती है हमारी रेवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू होती है। जब भी इसमें से जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो हमारी जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी, रेवर्ड कांस्टेंट इनटू जेड स्केयर, ये वाली टर्म है जो ये जेड स्केयर बाय जो एच क्यूब का ऊपर इसके एच सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एच सी अपॉन एन स्केयर, नीचे क्या बच गया सिर्फ हमारा एन स्केयर बच गया। और जो हमारी ये वाली टर्म है जो हमने इसके अंदर यूज़ की है, ये वाली टर्म हमारी इस तरीके से एज इट इज लिख देंगे हम इसको, 1 by k minus 3 k by n, इस तरीके से ये टर्म हमने इसी तरीके से लिख दी। ये क्या आ गई हमारी एनर्जी के अंदर करेक्शन कर दिया, और इसको क्या है हमने ये रेबर्ड कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू क्या होती है, जितनी हम जिसको हम डिनोट करते हैं टी एन सी, इस तरीके से इसको जो हमारी एनर्जी होती है उसको हम डिवाइड कर दें माइनस एच सी से, तो वो वैल्यू हमारी टर्म वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो चलिए हम करते हैं, टी एन इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू ले लेते हैं हम इस तरीके से, जेड स्केयर एच सी बाय एन स्केयर, एच सी से डिवाइड कर देंगे, माइनस है माइनस एच सी, तो ये माइनस माइनस, और बिल्कुल ये वाली इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देंगे, 1 by k minus 3 k by n, इस तरीके से हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से, एच सी से एच सी हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा। तो टर्म वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारी, जेड स्केयर बाय एन स्केयर 1 plus z square alpha square by n 1 by k minus
3k/n, ये इस तरीके से। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्म वैल्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन ऐसे की ऐसे, प्लस ये वाली इक्वेशन z² / n² और ये वाली इक्वेशन z² α² / n 1k - 3k/n। ये बिल्कुल इसी तरीके से, इसको देखो जो हमारी बोहर मॉडल की जो टर्म वैल्यू आई थी वो बिल्कुल ये वाली, यही वाली थी। तो हम इसको अलग रख लेंगे, तो हम इस वैल्यू को लेंगे क्योंकि ये हमारी बोहर के z² हमारा कितना हो जाएगा, z^4 α² / n n³ 1k - 3k/n, इस तरीके से ये हमारी टर्म वैल्यू। रेबर्ट कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर क्या होती है, 1.907 × 10⁻¹⁷ इन मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेबर्ट कांस्टेंट α² की वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू 1/37, ये होती है हमारी अल्फा की वैल्यू। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर 10⁻¹ × 1/ इसका स्केयर। ये देखिए ये वाली एंड ये वाली, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो इसको सोल्व करके क्या आएगी हमारी 5.84 इसके इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको अब उसके अंदर पुट कर देंगे इस तरीके से, बाकी जो वैल्यू थी जो हमारी इक्वेशन थी उसको हम एज इट इज लिख लें, z^4 / n³ / n³ 1k - 3k/n, ये हमारी वैल्यू, ये हमने टर्म वैल्यू की। पॉजिटिव कब होगी हमारी टर्म वैल्यू, ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि क्या हमारा इसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर, टर्म वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब के या तो एन से के इक्वल होगा या के एन से बड़ा होगा। ये किस पे डिपेंड करती है, के वैल्यू पे, हमारी टर्म वैल्यू की डिपेंड करती है। के टर्म वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब के या तो एन के हमारे इक्वल होगा या के एन से हमारा बड़ा होगा। अब हम फाइन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, सेकंड, उससे पहले हम इनकी वैल्यूज देखते हैं, एन की वैल्यू के की वैल्यू। जब एन की वैल्यू 1 होगी तो हमारी के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब हमारी एन की वैल्यू 2 होगी तो के की जो वैल्यूज होगी वो क्या क्या होगी, फॉर द स्प्लिट हो जाएगी 2 and 1, इस तरीके से। जब हम एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो हम फर्दर स्प्लिट होके इस तरीके से 3 कंपोनेंट में ये के की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। तो अब हम फाइन स्ट्रक्चर अब बना के देखेंगे इसका, हम सिर्फ n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 के लिए बना के देखेंगे, n इक्वल टू 2 जिसके लिए हमारे क्या वैल्यूज आएंगी, एंड 4 n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के लिए हमारे k की कितनी वैल्यूज आई हैं, 3 वैल्यूज आई हैं, 1 2
ये किसके लिए लिया हमने, n इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3 है इसके लिए। इस तरीके से जो हमारा सिलेक्शन रूल होगा इसके अंदर वो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी या प्लस एंड माइनस 1 के इक्वल आनी चाहिए, जो इनके एनर्जी डिफरेंस है वो हमारा या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। ये क्या हमारा सिलेक्शन रूल जो इसके अंदर अप्लाई होगा। जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारी जो वैल्यूज होंगी या तो प्लस 1 के इक्वल होगी या माइनस 1 के इक्वल होगी। ये यहाँ से देखिए, जब 1 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कितना आया, माइनस 1, तो ये पॉसिबल है यहाँ से यहाँ तक। जब हम 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 0, ये हमारी इस तरीके से नहीं होगी। जब 2 को हम 2 में से इस तरीके से माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 के इक्वल आएगा, ये भी हमारी नहीं होगी। जब 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 1 के इक्वल आएगा, ये इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन हो जाए। एंड 3, जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा हमारा, 1 के इक्वल आएगा। इस तरीके से जब हम 3 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा 2 के इक्वल आएगा, ये नहीं होगा। ये फर्दर 3 लाइन में स्प्लिट हो रही है इस तरीके से, और जो इनकी जो इस तरीके से 3 लाइन को नाम दे दिया अल्फा बीटा एंड आई गामा। इस तरीके से जो ये वाली जो इस तरीके से आएंगी तो ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा, ये इस तरीके से ये वीक कंपोनेंट इस तरीके से होगा। जो इनका एनर्जी डिफरेंस होगा इनके बीच का वो हमारा इसके इक्वल होगा 0.365। ये क्या निकाल दिया हमने, फाइन स्ट्रक्चर रिलेटिविस्टिक, नहीं समरफील्ड ने कुछ करेक्शन किया। उसने आइडिया बोहर मॉडल का लिया था। बोहर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वो फिर समरफील्ड ने बताया कि सर्कुलर के साथ साथ वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा। इसने जब सबकी एनर्जी निकाली तो हमारी जो एनर्जी आई थी इसकी तो वो क्या आई थी, बोहर मॉडल के बिल्कुल इक्वल आई थी। तो इसमें क्या किया, इसने एक करेक्शन किया, सिर्फ एक टर्म ऐड की, उस करेक्शन का यूज़ करके इसने फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। यही हमारा टॉपिक था, फाइन स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से समरफील्ड ने डिफाइन कर दिया कुछ रिलेटिविस्टिक करेक्शन का यूज़ करके। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट्स में बताना कि आपको किस चीज़ में अगर डाउट है तो आपको कमेंट्स में ही बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।